हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी अपनी सिम को BSNL पे पोर्ट करवाना चाहते हैं या फिर BSNL की नई सिम लेना चाहते हैं, तो जरा ठहरो। आज मैं आपको इस वीडियो पे कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। सिर्फ हवा हवाई पे आपको जो कुछ भी सुन के आप डायरेक्ट BSNL की यदि सिम लेंगे या फिर अपनी पर्सनल सिम को BSNL पे पोर्ट करवाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको पता है, डमरू की जब से शादी हुई है भाई साहब, इनके फूफा इतने नाराज नहीं हुए होंगे जितने इस टाइम पे जियो के यूजर नाराज चल रहे हैं। और जियो के यूजर एकदम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि भाई पोर्ट टू BSNL। अरे भाई जरा ठहरो तो, पोर्ट टू BSNL भाई, यहाँ पे हमको पता है शादी की इतनी सारी रील्स आई थी जिनको देखने का खर्चा तो देना था, और वो भी अंबानी परिवार की। तो भाई साहब हमने पैसे दिए रिचार्ज करवा के, इतना ज़्यादा महंगा हो गया। खैर अब यहाँ पे गलती जियो बस की तो है ना कि जियो बस के रिचार्ज महंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें महंगे। बट BSNL अभी तक सब कोई भूले हुए थे, अभी तक कोई BSNL यूज नहीं करता था, कुछ दो चार लोग या फिर बहुत पुराने लोग जैसे कि मैं। इसके अलावा कोई BSNL को यूज नहीं करता था, लेकिन अब BSNL की याद आ रही है, BSNL की घर वापसी लोग करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस भैया BSNL चलाएंगे। तो BSNL की सिम यदि लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और BSNL की सिम भी देखी ना, एकदम आ रहा है वंदे भारत भैया, बाय BSNL की जो 5G सिम आ गई है। अरे महाराज, इसके पहले BSNL की 4G सिम आई थी जो कि मैंने ली हुई थी अपनी सेकेंडरी सिम के नाम पे। बट क्या हुआ, क्या BSNL का 4G चल रहा है, BSNL का 5G चल रहा है, और BSNL का 6G अभी कह रहा है कि लॉन्च होने वाला है, सच में? तो यार देखो, आप BSNL की सिम यदि पोर्ट करवाना चाहते हो तो भाई जरा ठहरो, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पोर्ट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मतलब अपनी पर्सनल सिम को यदि BSNL पे पोर्ट करवाना चाहते हो तो जरा रुक जाओ यार, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे BSNL का नेटवर्क नहीं आता, आपको घर के छत पे जो है बंदर की तरह लटक के जो है BSNL का यूज करना पड़ेगा बहुत जगह। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे BSNL का 4G इनफैक्ट चलता है, लेकिन वो भी नाम मात्र का। BSNL का 3G हाँ ठीक ठाक चलता है, उस पर आप YouTube की वीडियो प्ले कर सकते हो, बैकग्राउंड पे म्यूजिक सुन सकते हो। बट यदि आप कुछ भी रीलोड करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो तो भाई साहब रहन दो, पे वो डाउनलोड नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा लोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे, मोबाइल ही हैंग होने लगेगा, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ लोड होगा उस पर, क्योंकि BSNL का ऐसा नेटवर्क है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे BSNL के भाई बुराई करते हो, BSNL तो भाई साहब मैं खुद चलाता हूँ, लेकिन मैं BSNL को आपको उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। हाँ, अभी बहुत सारे जो है यहाँ पे BSNL के जो टॉवर थे उन पे जो है काम चल रहा, उनको अपग्रेड किया जा रहा, क्योंकि अब BSNL पे एकदम से इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से अब BSNL जो है अपडेट हो रहा है। और BSNL के बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे 3G 4G चल रहा है, लेकिन बहुत कम जगह है जहाँ पे 4G चल रहा है, 3G तो मान लो चल ही रहा है, और 2G मान लो हर जगह चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ये ग्राफ दिखाने वाला हूँ, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपके जाके यदि आप सिम लेना चाहते हो, इसकी मदद से आप एक चीज़ और ये कर सकते हो, यदि आप सिम लेना चाहते हो, अभी तक आपने नहीं ली, ना ही आपने अभी तक सिम को पोर्ट करवाया, तो आपको करना क्या, इस वेबसाइट पे आ जाओ, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस पे आने के बाद इंडिया, आप इंडिया के ही रहने वाले हो, देन इसके बाद यहाँ पे BSNL कैरियर पे क्लिक करके BSNL क्लिक कर लो। BSNL क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इंडिया, और सबसे नीचे जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं जिसपे लिखा हुआ 2G 3G 4G 4G प्लस और 5G। तो यहाँ पे 5G प्लस वाला तो कहीं है ही नहीं, 4G प्लस वाला कहीं है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे 4G 2G है और 3G है। तो 3G 2G बहुत जगह और 4G, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इलाका जहाँ पे सतना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सतना मेरा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। अब आप जो ऐसे सर्च नहीं करना, यहाँ पे सर्च पे लिखा हुआ ऐसा नहीं सर्च कर देना, अपने गांव का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, या फिर अपने चौराहे का, कि भाई साहब चौराहे पे तो हम बैठते हैं, क्या यहाँ पे नेटवर्क आते हैं BSNL के, तो चलो वहीं चलाएंगे, तो ये सर्च नहीं होने वाला। आप जो आपने तहसील का करिए, जिला का करिए, फिर आपको डायरेक्ट अपने संभाग का नाम जो सर्च करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा यहाँ पे नेटवर्क है या नहीं है। तो BSNL यदि आप सिम लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, उसकी स्कीम बहुत बढ़िया, रिचार्ज आपको बहुत सस्ते करने पड़ेंगे, और जितना आप यूज करोगे उतना आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, लाइक दैट। यदि आप डाटा सिर्फ यूज करना चाहते हो तो सिर्फ आपको जो है डाटे के पैसे देने पड़ेंगे, आपको कॉल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आप यदि कॉल लगाना चाहते हो तो क्या पता कितनी दफ़ा
किसी और को कॉल लग जा रही है, यहाँ पे नेटवर्क डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसी दिक्कत जाती है बीएसएनएल पे। और यदि आप नॉर्मल यूजर हो, एक हाउसवाइफ या फिर एक कोई ऐसे कर्मचारी जो दुकान पे ऑफिस पे कहीं पे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यूट्यूब या म्यूजिक ये चलता रहे और आपको जो है ज़्यादा लोड भी नहीं आए, तो आपके लिए बेटर सिम है, आप ले लो। उस पर बहुत अच्छा यूट्यूब भी चलता है और बहुत अच्छी म्यूजिक भी चलती है, कुछ भी बफरिंग नहीं करता, सब कुछ बेटर है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो कि अपग्रेड की जा रही हैं, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताऊंगा। और अभी मैं जा रहा हूं एक दो दिन के अंदर न्यू बीएसएनएल की सिम लेने, तो उस सिम को लेने पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे आपको बाय करना है, उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब सिम आपकी चालू होगी, और उस पर आपको जो बीएसएनएल की जो 5G लेटेस्ट आई है उसको मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि उस पर क्या नेटवर्क का स्पीड आता है, और आपको बीएसएनएल की 5G लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और बीएसएनएल पे पोर्ट करवाना है या नहीं करवाना, और करवाना है तो आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, या फिर नॉर्मल POR लिख के सेंड कर दो, वहाँ पे पोर्ट का मैसेज आ जाएगा, देन इसके बाद आप पोर्ट करवा सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस वीडियो पे जो है देने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे।